फिल्मी माइंड प्रेजेंटिंग ग्रीनलैंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन गैरिटी को दिखाया जाता है। जॉन अटलांटा जॉर्जिया में रहता है। जॉन एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है। जॉन का एक बेटा है और उसकी वाइफ से उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। जॉन के बेटे नेथन का बर्थडे था तो जॉन जल्दी से अपना काम समेट के अपने घर जाता है। घर में उसकी वाइफ एलिसन भी थी। एलिसन और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने बेटे के लिए इस रिलेशनशिप को एक और चांस देंगे। नेथन अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड था और अपनी मम्मी पापा को एक साथ देखकर और भी ज्यादा खुश था। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि स्पेस में एक कॉमेट अर्थ से टकराने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको कॉमेट के बारे में बता दूं कि कॉमेट डस्ट और आइस का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये हमारे सोलर सिस्टम में सन के चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ करती है, और सन की गर्मी से ये हीटेड बॉडी बन जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये पृथ्वी के करीब से भी नहीं गुजरते। खैर, तो टीवी, रेडियो, इवन हर सोशल मीडिया पर ये न्यूज आ रही थी कि दो दिन में ही कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन लोग इसको लेके ज्यादा टेंशन में नहीं थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इसका इम्पैक्ट शायद इतना पावरफुल नहीं होगा। इसके बाद जॉन नेथन को लेके मॉल में जाता है उसकी बर्थडे शॉपिंग के लिए। वहाँ वो लोग देखते हैं कि आसमान में आज अनयूजुअली बहुत सारे जेट्स उड़ रहे हैं और रास्ते में सिक्योरिटी और आर्मी वाले भी जा रहे थे। इन सारी बातों को इग्नोर करके जॉन शॉपिंग करने लगता है, लेकिन तभी जॉन के फोन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आता है और थोड़ी देर में एक फोन कॉल भी जिसमें प्री रिकॉर्डेड अलर्ट मैसेज था, जिसमें ये बताया जाता है कि उसे एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके लिए उन्हें रात को एक मिलिट्री बेस पर पहुंचना है जहां से उन्हें एक सीक्रेट शेल्टर में पहुंचा दिया जाएगा। अब यहां सेम मैसेज जॉन के घर की टीवी में भी आ रहा था, लेकिन एलिसन घर के काम के कारण इसे देख नहीं पाती। अब जॉन इस बात से काफी टेंशन में था और वो जैसे तैसे करके घर वापस आता है। अब घर आने के बाद देखता है कि उसके पड़ोसी नेथन की बर्थडे पार्टी के लिए वहां आए होते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि कॉमेट कई सारे फ्रेगमेंट में बढ़ चुका है और वो सारे फ्रेगमेंट अगले दो दिनों में अर्थ से टकराएंगे, और सबसे बड़ा और आगे फ्रेगमेंट दो दिनों के बाद वेस्टर्न यूरोप से टकराएगा और उसकी वजह से इन सारों की जानों को भी खतरा है। अब ये सब सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं और तभी एक फ्रेगमेंट बरमुडा ट्रायंगल में गिर जाता है। टीवी पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन बाहर सारे पक्षी इधर उधर भाग रहे थे और ये देखकर जॉन बाहर आकर देखता है। तब उसे रियल लाइफ इम्पैक्ट फील होता है। तभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव आती है कि घर की सारी चीजें टूटने लगती हैं, लेकिन ये तो एक छोटे फ्रेगमेंट का प्रभाव होता है। अब अगर ये छोटा फ्रेगमेंट इतना इम्पैक्ट दे रहा था तो बड़े वाले से क्या होगा। और इसके बाद सभी लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि अगले दो दिनों में ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट भी गिरने वाले थे। इसके बाद दोबारा से जॉन की टीवी और फोन पर वही रिकॉर्डेड मैसेज शो होने लगते हैं, जिसमें बताया जाता है कि उनकी फैमिली सीक्रेट शेल्टर के लिए चुनी गई है और जॉन को एक QR कोड भी दिया जाता है ताकि उसकी फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब ये देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग भड़क जाते हैं कि आखिर इसे ही क्यों चुना गया। अब ये लोग अपने बैग्स पैक करते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे। नेथन को टाइप 1 डायबिटीज था और इसीलिए उसकी मेडिसिन उसके लिए बहुत जरूरी थी। जब वो लोग अपनी कार लेकर वहाँ से निकलते हैं तो जॉन की एक नेबर अपनी बेटी को लेकर उसकी कार के सामने आ जाती है और जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को साथ ले जाए, लेकिन वो नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उसे चुना नहीं गया था। अब ये लोग तो मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि नेथन की मेडिसिन तो कार में ही रह गई है। वो एलिसन को प्लेन में बैठने के लिए कहता है और जॉन मेडिसिन लेने कार में जाता है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जॉन वहां नहीं आता तो एलिसन पैनिक करने लगती है कि अभी तक जॉन क्यों नहीं आया, और कुछ देर वेट करने के बाद वो प्लेन से बाहर आ जाती है और एक ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताती है कि उसके हस्बैंड अपने बेटे की मेडिसिन लाने गए हैं। अगर उसके हस्बैंड आए तो उन्हें बता दें कि वो इस प्लेन में चली गई है। लेकिन नेथन की मेडिसिन वाली बात सुनकर वो एलिसन और नेथन को अलग से ले जाता है क्योंकि कोई भी पेशेंट इस प्लेन में अलाउड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जॉन मेडिसिन लेकर वापस आ जाता है और वो एलिसन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां दोनों ही नहीं दिखते, तो उसे लगता है कि शायद वो लोग प्लेन में ही जाकर बैठ गए होंगे, इसलिए वो भी प्लेन में उन्हें ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन और नेथन की एंट्री को बैन कर दिया जाता है, जिसमें एलिसन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उन्हें जाने दिया जाए क्योंकि उसके हस्बैंड ऑलरेडी प्लेन में होंगे। अब ऑफिसर मान जाते हैं और वो लोग जॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन तो प्लेन में था ही नहीं, इसलिए ऑफिसर एलिसन को वहां से जाने के लिए कहते हैं और एलिसन रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। अब जॉन काफी टेंशन में था, लेकिन फिर भी वो एक प्लेन में चढ़ जाता है, ये सोचकर कि शायद एलिसन भी किसी प्लेन में चढ़ गई होगी। लेकिन तभी मेडिसिन का बॉक्स देखकर एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन के बॉक्स के साथ कैसे अलाउड किया गया, क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके के पेशेंट को अलाउड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी बहन को भी यहाँ से निकाल दिया था। अब ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें तो प्लेन में आने ही नहीं दिया गया होगा और वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को ब्रिज कर दिया गया है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग इस प्लेन में चढ़ने के लिए आ रहे हैं आने वाली तबाही से खुद को बचाने के लिए। इसीलिए मिलिट्री वाले अंधाधुंध
उन पर फायरिंग करने लगते हैं और इन सब में वहां पर प्लेन का फ्यूल लीक हो जाता है और थोड़ी ही देर में गोली लगने से पूरे प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं जबकि काफी सारे लोग उसी वक्त मारे जाते हैं। अब ये देखकर एलिसन और जॉन दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं जॉन इस प्लेन में तो नहीं था। एलिसन घबराते हुए अपनी कार तक पहुंच जाती है और वहां कार पर एक नोट छोड़ जाती है कि मैं अपने फादर के घर जा रही हूं, प्लीज वहां पर आकर मुझे मिलो, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जॉन भी उन्हें ढूंढता हुआ अपनी कार के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी कार पर लगा हुआ नोट भी मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली जिंदा है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। एलिसन नेथन को लेकर एक मेडिकल शॉप में चली जाती है लेकिन वहां पर कुछ लूटर्स आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं तो वो डर के मारे वहां से निकल जाती है। बाहर उसे एक कपल मिलता है जिनसे काफी रिक्वेस्ट करके वो लिफ्ट मांगती है। एलिसन उनसे अपने फादर के घर तक लिफ्ट मांगती है पर वो कपल उन्हें नजदीक की लिफ्ट देने का वादा करते हैं। अब बातों बातों में एलिसन उन्हें बता देती है कि वो लोग भी सिलेक्ट हुए थे लेकिन क्योंकि प्लेन में कोई भी पेशेंट अलाउड नहीं था तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। अब ये बात सुनकर जो आदमी कार चला रहा था वो अजीब बिहेव करने लगा कि नहीं, इस बच्चे को तो जाना ही चाहिए था, इसको तो बचना ही चाहिए था, मैं इसे अगले बेस कैंप लेकर जाऊंगा और मिलिट्री के लोगों को इसे अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन एलिसन कहती है कि नहीं, मुझे मेरे फादर के घर पर ही छोड़ दो। लेकिन वो आदमी रास्ते में एलिसन को बाहर निकाल देता है और एलिसन रोते हुए रास्ते पर अपने बच्चे के लिए मदद मांगती है। और अब ये तीनों एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। जॉन एलिसन को कॉल करने के लिए एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है इसलिए, और देखते ही देखते एक सेगमेंट दूर आकर गिरता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे आसपास की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब इससे जॉन को टेंशन हो जाती है कि अब उसकी फैमिली आखिर कहाँ होगी। वो नीचे आता है और उसे माइग्रेन्स की एक कार दिखती है जब वो कनाडा जा रही थी। जॉन उसमें बैठ जाता है ताकि एलिसन के फादर के घर जाए। उधर एक आदमी नजर आता है जिसका नाम कॉलिन था। वो उसे बातों बातों में बताता है कि उसकी माँ जो एक डॉक्टर है वो भी सिलेक्टेड है। यूएस आर्मी और गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है इसलिए उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही लॉटरी सिस्टम निकाला था। कॉलिन के कुछ दोस्त पायरेट्स हैं और उन्होंने इस जेट्स को फ्लाई होते हुए देखा था और उन्हें ट्रैक किया था। असल में यूएस आर्मी ने ग्रीनलैंड में कुछ बंकर्स बनाए हैं और वहीं पर इन सारे सर्वाइवर्स को ले जा रहे हैं। लोगों को उनके प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जॉन एक आर्किटेक्ट था और पूरी दुनिया की तबाही के बाद टावर्स और बिल्डिंग बनाने के लिए जॉन जैसे लोगों की ही जरूरत थी इसीलिए उसे सिलेक्ट किया था। कॉलिन कहता है कि हम सभी कनाडा जाएंगे, वहाँ हमारे कुछ पायलट्स दोस्त हैं, वो हमें ग्रीनलैंड ले जाएंगे और हम भी उस बंकर में पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ पहुँचने पर आर्मी हमें एंट्री देगी या नहीं इसका तो पता नहीं लेकिन हमें वहाँ पर जाना जरूरी है, वो जॉन को भी कहता है। लेकिन जॉन मना कर देता है कि नहीं, मुझे अपनी बीवी और बेटे को ढूंढने जाना है। लेकिन कॉलिन उसे कहता है कि आखिरी फ्लाइट कल रात की है, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। वहाँ पर कुछ लोग जॉन पर हमला करते हैं क्योंकि वो चुने गए लोगों में से था और नहीं गया था। अब इस फाइट में कॉलिन भी आ जाता है और अब इन तीनों को ही बाहर निकाल दिया जाता है। जॉन उस आदमी को तो मार देता है लेकिन इसमें कॉलिन की भी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो पागल आदमी अपनी बीवी से कह रहा होता है कि हमें एक दूसरा मौका मिला है अपनी जान बचाने का, और इसके बाद वो मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। वहां वो सभी सोल्जर्स को कहता है कि ये मेरा बेटा है, देखिए इसके हाथ में स्ट्रिप भी है, हमारी स्ट्रिप कहीं खो गई है इसीलिए प्लीज हमें अंदर जाने दें। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। जिसके बाद ऑफिसर नेथन को उससे लेकर एक नर्सिंग कैंप में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिसन किसी से लिफ्ट लेती है और थोड़ी देर बाद वो भी कैंप में पहुंच जाती है और आसपास के सभी मिलिट्री सोल्जर्स से नेथन के बारे में पूछती है और थैंकफुली एक ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप में ले जाता है और फाइनली उसे नेथन भी मिल जाता है। नेथन को उसकी मेडिसिन भी दी हुई थी इसलिए वो बिल्कुल ठीक था। एलिसन उसे देखकर बहुत खुश थी। वहां पर एक नर्स आती है और उसे कहती है कि हम आपको एक फैमिली कैंप में ले जाएंगे, लेकिन एलिसन उसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे किसी तरह मेरे फादर के घर छोड़ दें। जिसके बाद वो नर्स उसके लिए एक बस का इंतजाम करती है जो कि उसे करीब ही छोड़ देंगे। जिसके बाद एलिसन और नेथन उस बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन रास्ते में होता है और वो कई सारे रैंडम घरों में घुसता है। वो वहां से पानी पीता है और टीवी से उसे पता चलता है कि कॉमेट का पृथ्वी से टकराने में कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। जिसके बाद जॉन वहीं से एक कार लेकर एलिसन के फादर की घर की तरफ निकलने लगता है और थोड़े टाइम में वो वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि एलिसन और नेथन अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उसे टेंशन हो जाती है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, और एलिसन के फादर उसे ही बुरा भला कहते हैं कि तभी उन्हें एलिसन की कॉल आती है और वो कहती है कि वो घर के करीब ही आ चुकी है। जिसके बाद वो दोनों ही उन्हें लेने जाते हैं और फाइनली जॉन उन दोनों से मिल पाता है। जिसके बाद वो सब घर आते हैं और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि अब जो बाकी दुनिया के साथ होगा वही हमारा भी नसीब होगा। कि तभी जॉन को कॉलिन की बात याद आती है कि कनाडा से भी कुछ लोग ग्रीनलैंड के लिए निकलने वाले थे जिनकी आखिरी फ्लाइट आज रात को है।
है। वो एलिसन को ये बात बताता है और एलिसन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलिसन अपने फादर को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि वो अपना आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहते हैं। और सभी एक दूसरे को इमोशनली गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग ऑलरेडी नॉर्थ में थे तो कनाडा जाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। वहाँ पर भी एक अलर्ट साउंड बजने लगता है कि कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर भी गिरने वाले हैं, और तभी कुछ फ्रेगमेंट्स वहाँ पर आके गिरने लगते हैं जिससे लोग मरने लगते हैं और गाड़ियां भी ब्लास्ट हो जाती हैं। उससे ये तीनों भी डर जाते हैं और कार एक जंगल की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी काफी ट्रैफिक जैम था और जलती हुई गाड़ियों में कुछ लोग फंसे हुए थे, तो जॉन उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो लोग दूसरी कार लेकर कनाडा की तरफ निकलने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूर ही था और कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो कनाडा के उस टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आखिरी रेस्क्यू प्लेन भी वहां से टेक ऑफ करने वाला था, तो वो सीधा अपनी कार को प्लेन के सामने रनवे पर ले आता है जिससे प्लेन रुक जाता है और पायलट बाहर आकर उससे आर्गुमेंट करने लगता है, लेकिन इसके बाद ये फाइनली प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब अगली सुबह वो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन एक फ्रेगमेंट उसी वक्त जमीन पर गिरने वाला था और तभी वो फ्रेगमेंट अर्थ पर गिरता है और इससे इतनी स्ट्रॉन्ग वेव जनरेट होती है कि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और जब ये सब पहाड़ी के ऊपर आते हैं तो इन्हें एयरबेस और बंकर नजर आता है। वो लोग मिलिट्री को सिग्नल्स देते हैं तो वो एक ट्रक उनको लेने के लिए वहां पर आ जाता है। और जैसे ही कॉमेट का आखिरी फ्रेगमेंट एटमॉस्फेयर में आता है, हर तरफ भूकंप आने लगते हैं। हम देखते हैं कि जॉन एलिसन और उसका बेटा अपनी लाइफ के लिए प्रे करते हैं और आखिरी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, और देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जॉन अपने आखिरी पलों में अपनी फैमिली के साथ गुजारे गए लम्हों को याद करता है, और तब सब कुछ खामोश हो जाता है। लेकिन ये तूफान के बाद की खामोशी थी और अब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। अर्थ पर कोई भी शहर नहीं बचा था, पूरी दुनिया राख बन चुकी थी और इस राख की वजह से सब कुछ बहुत धुंधला था, यहाँ तक कि सन भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हमें 9 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर ये राख अब जमीन पर सेटल हो रही थी। अब इसके बाद इस बंकर का डोर ओपन किया जाता है और सभी लोगों को एक धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। बंकर के सभी लोग सेफ थे। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो इस तबाही में सिर्फ बर्ड्स ही जिंदा बचे थे। हमें अर्थ को दिखाया जाता है कि जिन जगहों पर फ्रेगमेंट गिरे थे वो अभी भी चमक रहे हैं, लेकिन ये अकेले लोग नहीं थे जो कि बचे थे, और भी कुछ लोग थे। और ग्रीनलैंड के बंकर से दूसरे बंकर में कॉन्टेक्ट किया जाता है, तो यूरोप में भी कुछ लोग थे। इसके अलावा इंडिया में भी एक बंकर बनाया गया था जहाँ के कुछ लोग अभी भी जिंदा थे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी।